तो अगला टॉपिक है हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन चार्ज पार्टिकल्स। अब देखो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरीके हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, एक कंडीशन क्या हो चार्ज पार्टिकल की, वो रेस्ट में हो, और एक कंडीशन क्या है वो मोशन में हो। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे वो चार्ज पार्टिकल जो कि मोशन में है, क्योंकि उसी की एक स्पेशल कंडीशन हो जाती है क्या, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो। क्यों, क्योंकि अगर हमने मोशन वाला पढ़ लिया जहां पे कुछ वेलोसिटी वी है, तो अगर मैं उसी वेलोसिटी को जीरो कर दूं तो क्या कंडीशन हो जाएगी, रेस्ट वाली, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल इन मोशन, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इन मोशन, ठीक है। तो यहां पे मैं अज्यूम करके क्या चल रहा हूं कि लेट अस सपोज जो मेरा चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल वो है मेरा पी, ठीक है, नहीं पी नहीं लेते वो बाद में यूज करेंगे पी, क्योंकि हम जनरली किसी पॉइंट के लिए यूज करते हैं। तो चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू क्या है मेरा, स्मॉल क्यू इज अ चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और उसको मैंने कहां रखा है, उसको मैंने रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड, और कैसे मैग्नेटिक फील्ड है, अभी मैं सपोज करके चल रहा हूं जो मैग्नेटिक फील्ड में मेरी कैसी है, मेरी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग बता चुका हूं आपको पहले, जो क्या हो पैरेलल हो, पैरेलल, और उसको नोट कर रहा हूं मैं कैपिटल बी से, ठीक है। और हम पढ़ के आ रहे हैं अभी चार्ज पार्टिकल इन मोशन, तो चार्ज पार्टिकल इन मोशन का मीनिंग क्या है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी को मैं लेके चलता हूं, वेलोसिटी स्मॉल वी, ठीक ठीक। अब हमारा टॉपिक क्या था, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल। तो देखो यहां पे होता क्या है, यहां पे होता यह है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल होगा वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो उस पर क्या लगती है, हमारी फोर्स लगती है। आपने ये पढ़ा होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, तो अभी हम सब कुछ दोबारा से रिवाइज करेंगे और एक जनरल फॉर्मूला भी देखेंगे जिससे कि आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो उसका एक फॉर्मूला आता है, हम इस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन नहीं देखेंगे, जस्ट फॉर्मूले का यूज देखेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। यहां पे जो ये जो लिखा मैंने, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आपका क्रॉस, क्रॉस क्या होता है यहां पे फैक्टर मल्टीप्लिकेशन। दोबारा लिखता हूं मैं, एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। अब देखो यहां पे जो फोर्स है, फोर्स कैसे क्वांटिटी होती है, फोर्स होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स के ऊपर कैप आएगा। क्यू क्या है, स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला ही बोलना क्या चाहता है, ये बोलना चाहता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो उसके ऊपर क्या लगती है, हमारी फोर्स लगती है, ठीक है। अब आपको पता होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, जो डिनोट करते हैं हम सिंबॉलिक स्ट्रक्चर, जो क्या होता है, डॉट क्या होता है, डॉट, डॉट का मीनिंग होता है आउटसाइड द पेपर, और क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, इनसाइड पेपर। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर ये एक एरो है सपोज कर लो, तो इस एरो में जो ये डॉट होगा ये आपकी तरफ है, तो जो डॉट है जो आपकी तरफ है, ये डॉट का मीनिंग क्या, आपको क्या दिख रहा है इस एरो का, भी जस्ट एक पॉइंट दिख रहा है, तो मीनिंग क्या, ये जो डॉट है ये आपकी तरफ है, तो मीनिंग क्या, ये पेपर से आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। अगर ये एरो ऐसे हो जाए इस तरीके से, तो क्या होगा कि अब
आपको पीछे का क्रॉस दिखेगा, एरो याद है आपको, एरो एरो जो होती है पीछे क्रॉस होता है, आगे पॉइंटेड नीडल होती है, तो अगर ये अंदर जाएगी आपको क्या दिखेगा, इसका पीछे वाला पार्ट दिखेगा, मीनिंग क्या है क्रॉस। इसका सिंपल सा मीनिंग ये कि जब डॉट दिखे, डॉट दिखाते हैं तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड पेपर से बाहर आ रही है, प्लेन से बाहर आ रही है, और जब क्रॉस शो करते हैं तो उसके मीनिंग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रही है। ठीक है, तो अब होता क्या है यहाँ पे, सपोज करता हूँ कि मेरा एक रीजन है, ये एक मेरा, ये एक स्क्वायर से भी मैंने क्या दिखा दिया आपको, रीजन दिखाया, रीजन का मीनिंग क्या है, एरिया। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, आप यहाँ पे ध्यान देना कि मैं यहाँ पे करके आ रहा हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का गैप मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज लाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी हमने किससे, बी बी मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे हम लाए एक चार्ज, चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू, चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है हमारा स्मॉल क्यू। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल है, ये क्या करेगा हमारा मूव कर रहा है, मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। सपोज करते हैं ये जो चार्ज पार्टिकल है ये जा रहा है अभी किधर, किधर ले जाए देख लेते हैं, हम ले जाते हैं इस चार्ज पार्टिकल को अभी ऊपर की तरफ। ठीक है, और अभी जब ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, तो हमने क्या देखा हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्या होता है, उस पर एक फोर्स लगेगी, और जो फोर्स होगी वो कैसे पता लगेगा वो फोर्स लग रही है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी आपकी इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर। अब 11th क्लास में आपने ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीनिंग का वेक्टर प्रोडक्शन, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा होगा, अब वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है वो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अगर सपोज करो ये ए है, ए और ये बी है, ए अलग वेक्टर है बी अलग वेक्टर है, तो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर आपका ऊपर की तरफ है, तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलता हूं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी एंड क्रॉस इज द वेक्टर प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी होता है, तो आप बताओ कि जो सी होगा वो किधर होगा, वो प्लेन के बाहर की तरफ होगा या फिर प्लेन के वो अंदर की तरफ होगा। तो देखते हैं यहां पे क्या होता है, जब भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, जो पहले जो वेक्टर दे रखा है उस पर अपना हाथ रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये जो हाथ है मेरा, इसमें आप देखो मैंने अपना हाथ कहाँ रखा है, शुरुआत वाले वेक्टर पे, ए वेक्टर पे, तो ए पे हाथ रखा और किसकी तरफ ले जाना है मेरे को, बी की तरफ, तो मैं अपने हाथ को इधर ले गया, बी की तरफ ले गया। ठीक है, ए से बी, ए पे हाथ रखा मीनिंग क्या है, इस पॉइंट पर मैंने हाथ रखा इस तरीके से और मैं गया बी की तरफ, जैसे ही मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो जो मेरा थंब की डायरेक्शन है, थंब जो दिख रहा है आपको, ये किधर पॉइंटेड हो रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका इसकी डायरेक्शन क्या है, थंब की ऊपर की तरफ, तो मीनिंग क्या है, यहां पर जो सी वेक्टर होगा, सी वो किधर होगा, प्लेन से बाहर की तरफ, समझ आ रही है बात। और अगर यहां यहीं पर ही अगर मैं दूसरी कंडीशन लेके चलू, B क्रॉस A, ये जस्ट एक रिवीजन है, ठीक है, जस्ट आपका रिकैप है 11th क्लास का, B क्रॉस A होता तो उसे हम क्या सपोज कर रहे हैं अभी, C प्राइम, प्राइम मीनिंग डैश। ठीक है, तो जो तो यहाँ पे जो C कैप है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है आपकी, आप क्या करते B से आते शुरू करते, सपोज करो ये मेरा थंब था, अब क्या करते हैं हम B से शुरू करेंगे। देखो अगर मैं अपना हाथ ऐसे रखता हूं इस तरीके से, तो अगर मैं B से शुरू करूंगा तो क्या मैं A की तरफ पहुंच पाऊंगा, नहीं, क्यों नहीं देखते हैं। अगर मैं B से शुरू करता हूं तो मैं A की तरफ नहीं जा रहा, मैं उल्टा जा रहा हूं, जिधर A जाना चाहिए मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी मुट्ठी को बंद कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको A की तरफ जाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना हाथ कुछ ऐसे रखना पड़ेगा जहां पे आपका थंब नीचे होगा, तो देखते हैं
हम बी से ए की तरफ जाएंगे, बी से ए की तरफ गए तो यहां पे जो थंब है वो किधर जा रहा है, इनसाइड द प्लेन। तो मीनिंग क्या है, थंब क्या शो करेगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर, और यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, सी प्राइम। तो यहां पर जो सी प्राइम होगा वो किधर होगा, सी प्राइम प्लेन के अंदर की तरफ। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे बेसिक, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि वी वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर, और उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो देखते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी अंदर की तरफ, क्रॉस है ना, अंदर की तरफ होगा, और वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले वेक्टर क्या है हमारा, वी वेलोसिटी। तो अपना हाथ को आपने किधर रखा, वेलोसिटी पे रखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेलोसिटी ऊपर है तो हमारा अपना हाथ वेलोसिटी पे ऊपर, मतलब अपनी जो हमारी हथेली है उसको मैंने वेलोसिटी डायरेक्शन में रख दिया। ठीक है, अब आपको देखना है मैग्नेटिक फील्ड, अगला वेक्टर कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ध्यान से देखो आप कि अगर मैं अपना हाथ कुछ इस तरह रखता हूं, ये इस जो भी मैंने रख रखा है, तो अगर मैं इधर मूव करता हूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा पा रहे हो, नहीं, क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर तो है नहीं ना। अगर मैं ऐसे रखता हूं तब भी आप मैग्नेटिक फील्ड तरफ नहीं जा पा रहे। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कब जाओगे, जब अपना हाथ आप ऐसे रखोगे। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि ध्यान से देखो, कुछ ऐसा आपको दिखाता हूं, कुछ ऐसा चीज ये दिख रहा है आपको, ये मैंने क्या करा, ये एक वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, सपोज कर लो ये क्या हमारी एक वेलोसिटी वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। ठीक है, अब आपको V क्रॉस B करना है, तो हम क्या करेंगे, V पे हाथ रखा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी हथेली को घुमाया। समझ में आ रही बात सबको, वेलोसिटी पे हाथ रखा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हथेली को घुमाया। तो अब जो ये थंब है वो क्या दिखाएगा हमें, रिजल्टेंट वेक्टर, वो किधर जा रहा है, इस तरफ लेफ्ट साइड में। तो उसका मीनिंग ये है कि जब ये वेलोसिटी v वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किधर आएगा, हमारा लेफ्ट साइड की तरफ। तो फोर्स लगी इस पे लेफ्ट साइड में। ठीक है, और अगर मैं सपोज करूं जो q है ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव, तो इस टाइम इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, लेफ्ट साइड पर लगेगी, और जो पार्टिकल आगे जाना चाहिए था वो आगे जाते जाते लेफ्ट साइड की तरफ टर्न ले लेगा। क्लियर हो रही है बात सबको, ठीक है, ठीक है। अब एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। सपोज करो इसमें मैं आपको सारे केस बताऊंगा, एक पहला वाला केस जो अभी हमने करा, यहां पे आपको अपनी इमेजेस नहीं यूज करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपको भी दिख रहा होगा 2D में, और जो हम काम कर रहे हैं वो काम किस में कर रहे हैं, 3D में कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो हम इजी करते हैं, अभी हम इसको हटा देते हैं, अभी हम चेक करते हैं रियलिस्टिक वे में। सपोज करते हैं कि ये एक प्लेन शीट है, ठीक है, और ये क्या है मेरी, ये जो पेन मार्कर मैंने रखा, ये मार्कर है मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मार्कर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है ये वाली, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल मेरा जाता है कुछ इस तरह से, मीन के मैं अपना चार्ज पार्टिकल लॉन्च करता हूं यहां से और वो जाता है इस डायरेक्शन में। तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, ये मेरा चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, और इसकी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ। ठीक है, और इधर क्या है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो आप मुझे बताओ
कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता है तो इस केस में जब चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, देखते हैं। उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था फोर्स का क्यू वी क्रॉस बी, वी वेलोसिटी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा हम वेलोसिटी की तरफ गए, अपना हाथ वेलोसिटी की तरफ रखा। देखो सिंपल सी बात यह है, जब मैं बोलता हूँ वेलोसिटी तो आपको वेलोसिटी अपना हाथ आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। आप पूरी तरह से फ्री हो हर डायरेक्शन में अपना हाथ रखने के लिए, लेकिन जो दिक्कत देती है बात, वो दिक्कत देती है आपको मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बताती है आपको कि आपको अपना हाथ कैसे रखना, तो हमें अपने हाथ की डायरेक्शन कुछ ऐसे चूज करनी होती है कि जब हम अपनी हथेली को बंद करें तो हम दूसरे वेक्टर की तरफ मूव करें। देखते हैं ध्यान से, अगर मैं गलती से अपना हाथ ऐसे रख लेता और इस टाइम मैं अपनी हथेली को बंद करूं तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं जा रहा, तो मुझे अपने हाथ की डायरेक्शन अब चेंज करनी पड़ेगी। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम देखो, अगर मैं ऐसे रखता हूं तो मैं अंदर की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं इस तरह से हाथ रखता हूं तो मैं किधर जाऊंगा, अंदर की तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। तो मुझे अपना हाथ ऐसे रखना है कि जब मैं अपनी हथेली को बंद करूं तो क्या हो, मैं सीधा कहां पहुंचूं, दूसरे वेक्टर की तरफ। तो मुझे पता लगा बाद हिट एंड ट्रायल मेथड कोशिश कर करके कि जब मैं ऐसे हाथ रखूंगा तो अब मैं अगर अपनी हथेली को बंद करता हूं तो मैं किधर पहुंचूंगा, मैं सीधा पहुंचूंगा बी की तरफ, और जब ये होता है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मीनिंग क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स होगी हमारी ऊपर, ऊपर की तरफ। तो मैं अगर आपको बताऊं तो अगर ये चार्ज पार्टिकल था, ये ऐसे जा रहा था स्ट्रेट, और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो पता क्या होगा, यहाँ पे तो होगा ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाते जाते और ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। देख लो क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल सीधे जा रहा था लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड थी तो हुआ क्या, हुआ ये कि चार्ज पार्टिकल सीधे न जाके, क्योंकि इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगी है, तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा हमारा ऊपर की तरफ, ये सीधे जाते जाते ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं थोड़ा सा और। अगर आप सपोज करो सेम चीज आपके लिए, अब मैग्नेटिक फील्ड मैंने इधर कर दी, अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्किप कर सकते हो, और अभी भी चार्ज पार्टिकल ऊपर ही जा रहा है, देख रहे हो, यहां पे चेंज क्या करा है मैंने, मैंने चेंज करा है यहां पे, पहले मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट लेफ्ट की तरफ थी और अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड कर दी राइट की तरफ। तो आप मुझे बताओ कि अब जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, वो ऊपर लगेगी या नीचे लगेगी, देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर हमने देखा अगर चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो यहां पर ऊपर जाने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो किधर होगा, वो होगा ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है, तो हुआ कि यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस। देखो ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्थ चैप्टर है और इवन फिफ्थ चैप्टर भी जो है आपका, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर दोनों के कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले से क्लियर हो सकते हैं। तो यहां पर हुआ क्या, अब देखते हैं, वी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो आप V से B की तरफ आओगे, तो हमने अपनी हथेली रखी कुछ ऐसे V से B की तरफ, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हुआ किधर हुआ आपका, नीचे की तरफ, अंगूठा देख रहे हो मेरा, नीचे की तरफ। तो मीनिंग क्या है, अब ये जाएगा चार्ज पार्टिकल क्रॉस, मीनिंग क्या है, अंदर, अगर इस पर फोर्स लगेगी अब अंदर की तरफ। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज करो ये मेरा चार्ज पार्टिकल था, ये जा रहा था कुछ ऐसे सीधे जा रहा था, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगती है, इस पर फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल सीधे न जाके वो नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहां पे किस चीज की बात, आपको थोड़ा सा अपना व्यू और बढ़ाना पड़ेगा। व्यू का मीनिंग क्या है, व्यू का मीनिंग ये है
कि आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या होता है। तो अब मैं अपने मैग्नेटिक फील्ड का करके रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है वो मैं और इंक्रीज कर रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि अगर इस केस में कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर कैसा इफेक्ट आएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कर दे दें। ठीक है, अभी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पूरी यूनिफॉर्म है। ठीक, तो अब सेम केस लेके चलते हैं जो हमने पहले लिया था। इस वाले केस में यहां भी क्या करा था मैंने, क्यू पार्टिकल लिया था, वी वेलोसिटी थी और हमने देखा था उस पर फोर्स कितनी लग रही है, लेफ्ट साइड पे लग रही थी। देखो तो मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूं यहां पे। तो यहां पे मैंने पुट करा एक चार्ज पार्टिकल क्यू। ठीक है, अब आपको यहां पे हर एक पॉइंट पे देखना है और जब मैंने देखना शुरू करा, जब हमने कंडीशन को शुरू करा एट टी इक्वल टू जीरो, जीरो टाइम पर शोभा जब शुरू करी तो ये मूव कर रहा था ऊपर की तरफ। ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो इसकी मोशन थी ऊपर की तरफ। अगर इसकी मोशन ऊपर की तरफ है तो मोशन का मीनिंग क्या है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करता है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, उसकी वेलोसिटी होती है। तो टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ऊपर की तरफ। ठीक है, हमने अभी देखा इस केस में जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ठीक है, वेलोसिटी सीधा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ नीचे इनसाइड द प्लेन। तो जो फोर्स लगती है उधर लगती है आपकी थंब लेफ्ट साइड। तो इससे हमें पता चला कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पर जो इस पर फोर्स लगेगी उधर लगेगी आपकी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई हमें। मीनिंग क्या, जो इस पर लेफ्ट साइड में इसकी तरफ लेफ्ट साइड की तरफ इस पर फोर्स लेगी तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल जो सीधे जा रहा था वो अब थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टर्न ले लेगा। ठीक है, इस पार्टिकल ने लेफ्ट की तरफ टर्न ले लिया और जब इस पार्टिकल ने जब इसने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया तो हुआ क्या, अब इसकी डायरेक्शन होगी चेंज। अब कोई आपसे बोलता है कि भाई अब यहां पे इसकी वेलोसिटी किधर है, तो अब इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, अभी सीधा नहीं है, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, तो जब इसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो अब कोई आपसे पूछता है कि बताओ अब इस पार्टिकल पर फोर्स कितनी लग रही होगी, तो आप क्या बोलोगे, आप करोगे सीधा ये काम, ये वेलोसिटी डायरेक्शन अपना हाथ रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी हथेली को मूव कराओगे और थंब होगा वो क्या बताएगा आपको, फोर्स की डायरेक्शन। देखो जरा ध्यान से, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी अब इसमें इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। आप सबको पता है ना कि जो वी होता है, यहां पे मैंने बताया आपको ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इसको क्या है सी, तो सी वेक्टर जो होगा वो ए के ही परपेंडिकुलर होगा और बी के ही परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे हमने देखा कि जो हमारी रिजल्टेंट आई फोर्स एफ वो हमारी वी के परपेंडिकुलर होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन ये। तो जब इस पे इधर फोर्स लग रही है तो होना क्या है, होना ये है कि जो पार्टिकल अभी सीधे जाने की कोशिश कर रहा था अब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इस पे इधर फोर्स लगी तो क्या होगा, ये पार्टिकल सीधे जाने की बजाय अब थोड़ा सा टर्न ले लेगा। ठीक है, जब ये टर्न लेगा तो टर्न लेने से क्या हुआ, टर्न लेने से हुआ ये, इसने फिर से अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो देखना हुआ क्या, हुआ ये जो पार्टिकल पहले सीधे जा रहा था अब वो लेफ्ट की तरफ मूव करने लगा है। तो सेम काम करेंगे, दोबारा से फोर्स कितनी लगेगी अब इधर की तरफ, फिर क्या होगा, फिर टर्न ले लेगा ये, फिर अगेन फोर्स, फिर टर्न। तो टर्न लेते लेते कहां पर आ गया, इधर आ गया। अब यहां पर देखते हैं अभी क्या होगा, अब पार्टिकल नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर ही है, तो देखते हैं अभी यहां पर करेंगे क्या, आपको ऊपर वाला समझ में आ गया, नीचे वाला क्या होगा, इसको उल्टा होगा। आप अपनी हथेली रखोगे इस तरीके से और नीचे की तरफ अपने हाथ को मूव कराओगे, तो जो थंब होगा वो क्या दिखाएगा आपको, आपकी फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर किधर होगी, अभी आपकी अब राइट की तरफ। तो ऐसे करते करते
आपको दिखेगा कि जो पार्टिकल है ये एक क्लोज लूप फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये जो मैंने आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एक्चुअली रियलिस्टिक वे में क्या होता है कि पार्टिकल कंटिन्यूअसली जब भी डायरेक्शन चेंज करता है तब उसमें फोर्स लगनी चेंज, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो होता क्या है, होता यह है कि पार्टिकल एक क्लोज सर्कुलर लूप फॉर्म करता है, ठीक है। और ये क्या बताता है हमें, ये बताता है हमें क्या, मोशन चार्ज पार्टिकल इन ए इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा, एक चार्ज पार्टिकल जिसकी शुरुआत यहां से हुई थी, कहां से हुई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी यहां से एट टी इक्वल टू जीरो, वो सीधा जाना शुरू करा था उसने, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो फोर्स लगते लगते वो क्या हो गया, दोबारा से अपने सेम पाथ पर आ गया, ठीक है। तो यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड ने एक सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए कितना रिटर्न करा, जीरो करा भी, क्यों करा, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो है, ठीक है। ये था सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहां पे एक ट्रिक यूज करूं, क्या यूज करूं, ट्रिक, ट्रिक क्या है कि अगर जो क्यू है ये अभी पॉजिटिव था तो ठीक है, लेकिन अगर मैं चार्ज पार्टिकल क्या कर दूं, नेगेटिव कर दूं, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव कर दिया तो क्या होगा, तो होगा ये कि v क्रॉस v करने पर जो भी डायरेक्शन आपको मिलेगी फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। जैसे दिखाता हूं मैं आपको करके, सपोज करो कि यहां पे एक मैंने ई, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ई, ई जा रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसे होता है, नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था शुरुआत में इधर। तो अभी देखते हैं इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स इधर लगनी चाहिए इसके ऊपर, वी क्रॉस भी क्या होगा, ये वी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो अंगूठा किधर किधर दिखा रहा है आपको, थंब किधर शो कर रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, वी क्रॉस बी, वेलोसिटी से आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ गए तो अंगूठा गया ऊपर की तरफ। लेकिन आपको यहां पे ये भी नोट करना है कि v क्रॉस b आपका गया ऊपर की तरफ, ठीक है, लेकिन यहां पे जो चार्ज है q ये क्या है, नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मीनिंग हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन हमारे लिए आई है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, मतलब क्या, नीचे की तरफ। तो इस केस में जिसमें फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, नीचे की तरफ। तो जब ये सर्कल बनाएगा वो कुछ ऐसा बनाएगा, कुछ ऐसा, क्लियर हो रही है बात सबको, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, तो अभी तक हमने पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उस पर फोर्स कैसे लगती है। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये बनेगा कि लेट अस सपोज अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो क्या होगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल मेरा रेस्ट में हो गया तो आप सभी को पता है फोर्स का फॉर्मूला था क्या, क्यू वी क्रॉस बी। तो ये फोर्स जीरो कब कब हो सकती है आप बताओ। एक सिंपल सा केस, जब इन तीन क्वांटिटी में से कोई भी एक क्वांटिटी जीरो हो जाए, तो पहली क्वांटिटी हम लेके चलते हैं वी। सपोज करो इफ v इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाए, मीनिंग क्या है, रेस्ट, चार्ज पार्टिकल मेरे रेस्ट में, तो फोर्स कितनी हो जाएगी अपना भी जीरो। तो रेस्ट चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगती, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। दूसरा केस, इफ q इज इक्वल टू जीरो, और कोई मैंने पार्टिकल लिया p, p पार्टिकल है, और p पार्टिकल पर कोई नेट चार्ज ही नहीं है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी, जीरो लगेगी भी। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे बोलूं एक सोडियम का एटम है, एक सोडियम के एटम को मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराता हूं, तो इस पर चार्ज कितना है नेट, इसके ऊपर भी 11 तो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 11 ही प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज कितना है इसके पास,
जीरो, तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी, जीरो। ठीक है, अगेन इफ क्यू इक्वल टू जीरो देन एफ इक्वल टू जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो अगेन फोर्स इज जीरो। ठीक है, तो इन तीन केसेस में फोर्स जीरो होती है। ये थे जनरल केस, लेकिन जो एक ट्रिकी केस होता है जो बच्चे मैक्सिमम टाइम भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस चीज को भूल जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं यहां पे ये देखूंगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो एफ इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा, ये क्या होगा इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आता है, अभी यहां पे क्या होगा वी क्रॉस बी क्या होता है वी बी साइन थीटा। तो यहां पे जो ये साइन थीटा है, इस साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, व्हेन थीटा इज आल्सो जीरो। तो यहां पे आपको ये समझना है कि इन तीनों को जीरो होने से तो फोर्स जीरो होगी, लेकिन साथ साथ एंगल भी मैटर करता है। अगर साइन थीटा जीरो हो जाए तब भी हमारी फोर्स क्या हो, जीरो ही होगी। और साइन थीटा जीरो का होगा जब एंगल जीरो होगा। ये थीटा है क्या, थीटा है हमारा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमने अपने केस में देखा था, अभी क्या देखा था, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ। तो यहां पे क्या है, दोनों ही में दोनों चीज, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और चार्ज पार्टिकल इधर, तो एंगल कितना बनना था यहां पे 90 डिग्री। जीरो तो नहीं था ना, लेकिन अगर मैं क्या करूं, मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी इधर हो और चार्ज पार्टिकल भी ऐसे ही जाए, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, जीरो एंगल। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी मेरी ऊपर की तरफ है और मैं चार्ज पार्टिकल को यहां से छोड़ दूं किधर, ऊपर की तरफ ही, तो यहां पे एंगल कितना बनेगा, जीरो। और जीरो एंगल होगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। और साइन थीटा जीरो हो तो फोर्स कितनी लगेगी इसमें, जीरो लगेगी। तो लास्ट केस क्या है, यहां पे फोर्स इज जीरो व्हेन थीटा इज जीरो। और यू कैन से थीटा जीरो का मीनिंग क्या होता है, व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आपको कोई ऐसा केस आए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो उस केस में क्या होता है, आपका नेट फोर्स कितनी होगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जीरो होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा है, हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कराते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, ये जस्ट एक थ्योरेटिकल पैटर्न था। अब हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकली, मतलब न्यूमेरिकल पैटर्न है, मीनिंग क्या है कि टाइम पीरियड कितना होता है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है या फिर उसका रेडियस कितना, जो कि हमने देखा ना अभी सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो जो सर्कल का रेडियस कितना होगा या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी या फिर उसका टाइम पीरियड कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो हम देखते हैं क्या, हम इसमें दो केस में सिर्फ डिवाइड करते हैं। पहला केस क्या लेके चलेंगे, फर्स्ट केस होगा, इसके लिए हम अभी करके रहे हैं, हम कर रहे हैं एप्लीकेशन बेस काम। तो इस एप्लीकेशन बेस काम में हम करेंगे क्या, हम दो केस लेके चलेंगे, फर्स्ट केस, केस फर्स्ट। ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन जब इसको एक न्यूमेरिकल वे में आप जो जिस आप क्वेश्चन कर पाओ वो कैसे, उसे कैसे आप ट्रीट करोगे। केस वन फर्स्ट, थीटा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन वी एंड बी। केस सेकंड, व्हेन थीटा इज जीरो, स्पेसिफिक जीरो। और केस थर्ड, व्हेन थीटा इज नॉट 90 डिग्री।
अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये तीन केस ही क्यों लिए, बाकी केस क्यों नहीं लिए, क्योंकि आप यहां पे देखो तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा कहां शुरू होती, जीरो से शुरू होती है, और मैक्सिमम कहां पहुंचती है साइन थीटा की वैल्यू, वो पहुंचती है आपकी जीरो से शुरू होके 90 डिग्री पर, 0 डिग्री से 90 डिग्री पर। और 0 डिग्री पे कितना होता है, साइन 0 डिग्री कितना होता है, जीरो होता है। साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। और साइन थीटा व्हेन थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा लेस देन 1। ठीक है, तो सबसे इजी क्या होता है, साइन 0 निकालना या फिर साइन 90 निकालना। हार्ड क्या पड़ता है, हमें हार्ड पड़ता है हमको ये साइन थीटा व्हेन थीटा ना तो 0 है ना ही 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इजी इजी की, उसके बाद बात करेंगे थोड़ी से हार्ड की। देखो कभी भी आपसे कोई बोले कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगी, फोर्स का मीनिंग एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या फिर एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगी भाई, सबसे ज्यादा फोर्स तब लगेगी जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कब होगी साइन थीटा की वैल्यू, तो फोर्स मैक्सिमम तब लगेगी व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर साइन थीटा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मिनिमम फोर्स कितनी लग सकती है, मिनिमम फोर्स लगेगी व्हेन थीटा इज 0, क्योंकि साइन 0 पर फोर्स साइन थीटा कितना होता है, 0 पर 0। अगर साइन थीटा 0 होगी तो क्या हुआ, फोर्स कुछ बचेगी नहीं, हम कर चुके हैं पहले। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90, इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। तो लेट अस सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड अभी हम कर चुके हैं साइन थीटा 90 है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा ये कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल था Q v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, कब, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। तो सबसे सिंपलेस्ट केस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और चार्ज पार्टिकल जाए आपका हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल कितना बनता है, यहां पे देखो आप एंगल कितना बनता है, 90। ठीक है, तो ये जो केस हम पहले कर चुके हैं वो ये वाला केस था, एंगल कितना बना, 90। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे लेक्चर को शुरुआत से फॉलो करना, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहां पे हमने बोला कि चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, क्यू चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गया। तो हमने देखा, क्या देखा था, हमने देखा था ये कि ये चार्ज पार्टिकल है क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है नीचे की तरफ, तो फोर्स किधर लग रही थी, इधर लग रही थी, तो ये एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करेगा, ठीक है, ये करेगा सर्कुलर पाथ ड्रॉ करेगा। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ये आते हैं कि बताओ क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड में जब 90 डिग्री के एंगल पर मूव करता है तो जो सर्कुलर पाथ ड्रॉ होता है उसका रेडियस क्या होता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, रेडियस क्या होगा, पहली बात ये। दूसरी बात, टाइम पीरियड कितना होगा कि वो एक कंप्लीट सर्कल कितने टाइम ड्रॉ कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है, कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कवर कर रहा है, तो ये तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात है हमारी ये दो चीज निकालना,
रेडियस एंड द टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चीज पता है, हमें यहाँ पे ये चीज पता है कि जब भी कोई, अब आपको अपनी रिकॉल करनी है मेमोरी कहाँ से, 9th क्लास या फिर 11th क्लास, तो जब भी कोई पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स कौन सी लगती है, सेंटीपिटल फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम है आपका मास, इस पार्टिकल का मास, वी वेलोसिटी, और आर क्या है हमारा रेडियस, ठीक है। तो ये क्या हमारी सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये कब इफेक्ट में आती है, ये तब इफेक्ट में आती है जब आपका कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो, ठीक है। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स को हो गया जनरल फॉर्मूला, कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उस टाइम उस पर फोर्स कितनी लग रही होगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उस पर फोर्स लगा कौन रहा है, उस पर फोर्स लगा रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और उसको कितनी फोर्स लगा रही है, वो फोर्स लगा रही है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी हमारी हमने निकाली, क्यू वी बी। यहाँ पे साइन क्या है, 90 डिग्री है, 90 बताया मैंने आपको पहले, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, एंगल कितना होना 90 डिग्री, तो ये क्या बनता है हमारा क्यू वी वी, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स के दो एक्सप्रेशन आए, एक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण और एक है हमारा जो जनरल हमेशा सर्कुलर पाथ पर होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये है हमारी जनरल नॉलेज कि कभी भी सर्कुलर पाथ में मोशन होगी तो फोर्स इसके बराबर होगी, और यहाँ पे फोर्स लगा कौन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो क्या बोलती है कि फोर्स इसके बराबर है। फिर दो अलग अलग इंसान, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बोल रही है इतने फोर्स है और एक्चुअली हमेशा होती है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये वाली फोर्स जो है वो इसके बराबर होगी, क्योंकि ये भी सर्कुलर पाथ हमेशा होती है और ये इस केस में सर्कुलर पाथ वाली मोशन को जस्टिफाई कर रही है। तो यहां से क्या पता चला कि क्यू वी वी स्क्वायर टू किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सबसे पहला काम आपका, यहां से आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लो कि आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, आप वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया, अब इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे रेडियस एंड द टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन था ये क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट वाज फॉर्मड बाय चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे हुआ क्या, हुआ ये क्यू वी बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मैं दोबारा लिख रहा हूं इस चीज को, अब जरा आप यहां पे ध्यान से देखना, आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये वेलोसिटी यहां पे और यहां वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो ये जो वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन है वी कैंसिल आउट हुआ इस स्क्वायर से, अब बचा क्या, बचा सिर्फ ये क्यू बी इक्वल टू एम बी अपॉन आर। तो यहां पे आप सभी को पता चल गया कि रेडियस कितना होगा, एम वी अपॉन में क्यू बी। ये क्या मिला भी हमें, ये मिला हमें चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा था उसका रेडियस। आप सभी को ये चीज याद रखनी है हमेशा, रेडियस कितना होगा, ठीक है। बेसिकली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सारा बहुत इजी चीज है। पहला काम क्या, ये हमेशा होता है और इस केस में फोर्स इसके बराबर आई, तो ये दोनों चीज आपस में बराबर हुई, ये एक्सप्रेशन आया, बस आपको ये एक्सप्रेशन समझना है और उसके बाद सब कुछ स्टेप बाय स्टेप अपने आप ही होता जाएगा। तो रेडियस हमें मिल चुका है, अभी रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस डिपेंड कर रहा है मास पे, ये हमें पता है। वेलोसिटी गिवन होगी, मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा और चार्ज पार्टिकल का चार्ज गिवन होगा, तो हमें रेडियस पता लग जाएगा। अब जो दूसरी चीज है वो क्या बची थी,
वो बची थी हमारी क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकाला? देखो एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने वाला, यूज आपको यही करना है। अब आपको दिमाग लगाना है कि इस एक्सप्रेशन से आप टाइम पीरियड कैसे निकालोगे। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे भी, आपको एक चीज पता होगी, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, रेडियस मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी। मीनिंग क्या है, वी स्क्वायर क्या होती है, आर ओमेगा। ये रिकॉल है आपका 11th क्लास का। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई पार्टिकल आर रेडियस का सर्कल से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या, देखो इसे हम एक्चुअली इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हैं अगर आप भूल चुके हो तो। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अभी हम यहां पे हम स्पीड लेके चलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, तो यहां पे हम टोटल डिस्टेंस लेके चलेंगे। तो वो कितना है हमारा, इस सर्कुलर पाथ के केस में टोटल डिस्टेंस कितना कवर होता है, अभी इसका सर्कमफेरेंस के बराबर, सर्कमफेरेंस कितना है इसका, 2πr। ठीक है, अपॉन यहां पे क्या होगा, टाइम पीरियड अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो। ठीक है, तो यहां पे क्या है, 2π क्रॉस आर अपॉन में टाइम पीरियड। 2π क्या था, 2π हमारा एंगल था, एंगल 2π क्या है, एंगल है। तो आर पहले लिख दिया मैंने, थीटा अपॉन टी बाद में लिख दिया, तो ये क्या है आपका एंगल अपॉन टाइम क्या होगा आपका, ये देगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो आर ओमेगा, तो वेलोसिटी क्या होती है आपकी, आर ओमेगा के बराबर होती है। इसे आप ऐसे देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर थीटा एंगल है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है आर, लेट अस सपोज डी डिस्प्लेसमेंट है और रेडियस आर है, तो डी क्या होता है, डी होगा आपका आर थीटा। ये लेंथ जो होगी वो किसके बराबर होगी, आर मल्टीप्लाई में एंगल। ठीक है, तो इस केस में जनरल लेके चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, आर थीटा के बराबर। नीचे क्या होगा, टाइम होगा, तो आर मल्टीप्लाई में थीटा अपॉन टाइम, तो ये क्या देगा आपको, आर थीटा अपॉन टाइम क्या देगा आपको, ओमेगा देगा, आर ओमेगा। क्या मिला आपको, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हमें यहां पे यूज करना है, आर इज इक्वल टू एम, यहां पे वेलोसिटी जो है मैं क्या पुट करा, आर ओमेगा, आर ओमेगा अपॉन में क्यू बी, आर से आर कैंसिल आउट अगेन। ठीक है, बचा क्या, क्यू बी इज इक्वल टू एम ओमेगा। ठीक है, क्यू बी इज इक्वल टू एम ओमेगा, तो यहां पे क्या हुआ, ओमेगा क्या हुआ आपका, ओमेगा हुआ क्यू बी अपॉन। अब आपको ये याद बात यहां पे याद रखनी है कि ओमेगा क्या है, यहां पे ओमेगा है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। क्या चीज यहां पे हमारी, क्यों क्या है, सो ओमेगा क्या है हमारी, एंगुलर वेलोसिटी। क्या आया था एक्सप्रेशन हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन में, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड कैसा होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है हमारा कब, एक कंप्लीट सर्कल को कवर करने में जो टाइम लगा। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल को कवर करने में जो भी हमारा टाइम लगा वो हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। कंप्लीट सर्कल का मीनिंग क्या, कितना एंगल कवर होता है कंप्लीट सर्कल में, 2 पाई
और इस 2π को कवर करने में मैंने बोला टाइम पीरियड लगा कैपिटल टी, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा टोटल एंगल। ओमेगा क्या होता है, ये होता है। तो अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात कर रहा हूं तो थीटा क्या हो जाएगा 2π, और कंप्लीट सर्कल के लिए टाइम कितना हो जाएगा कैपिटल टी। तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होगी भी 2π अपॉन में ओमेगा, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, तो जो हमने यहां पे अभी निकाला ओमेगा इज इक्वल टू qb अपॉन m, तो हम देख रहे हैं यहां पे ओमेगा के स्क्वायर बराबर होता है, ओमेगा होता है 2π अपॉन कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो 2π अपॉन कैपिटल टी व्हिच मींस qb अपॉन m, देयरफॉर टी विल बी 2πm अपॉन qb। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है, टी क्या है हमारा टाइम पीरियड। अब आप सबको पता है आपको आगे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है भी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड। यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल मीनिंग क्या है qb अपॉन में 2πm फ्रीक्वेंसी। ये हुई हमारा टाइम पीरियड और ये हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या था फर्स्ट केस जब हमारा एंगल किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर। अब हम देखेंगे अपना सेकंड केस, जो हमारा एंगल किसके बराबर होगा, एंगल होगा हमारा 0 के बराबर, थीटा इज इक्वल टू 0। सबको पता है क्या होने वाला है, होने वाला है कुछ नहीं, कुछ नहीं का मीनिंग फोर्स qbb जो हमारा एक्सप्रेशन था, तो qbb साइन थीटा, और जब थीटा 0 हो गया तो साइन 0 के एक्स के बराबर होता है भी 0 के बराबर, तो बचा क्या qbv मल्टीप्लाई में 0 क्या हो जाएगा 0। तो उस केस में कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। कोई भी फोर्स नहीं लगने का मीनिंग क्या है, पार्टिकल विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस आता है इसमें, नेक्स्ट एंड लास्ट केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या थीटा ना तो 0 हो, केस 3। ये था केस 2 आपका, केस 2। अब थीटा केस 3 में क्या देखना है, जब थीटा आपका 0 भी नहीं हो और 90 भी नहीं हो, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। अब हम करेंगे क्या, अपने वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट जो कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, एक पार्ट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। कैसे देखते हैं अभी, सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में। अब आपको पता है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो यहां पे आप सभी को दिख रहा है कि एंगल कितना है, क्या ये 0 है, नहीं, क्या ये 90 है, नहीं, ये 90 और 0 के बीच में, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज पार्टिकल जो किधर जा रहा है। अब कोई आपसे पूछेगी यहां पर कितनी फोर्स होगी, चलो फोर्स तो आप निकाल दोगे एक बार के लिए साइन थीटा यूज करके, अगर थीटा की वैल्यू पता हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका पैटर्न क्या होगा मोशन का, वो हमें देखना है। वो हम देखेंगे कैसे, वो हम देखेंगे कुछ इस तरीके से कि आप क्या करो, आप सिंपल सा काम करो, बेसिक इस v वेक्टर को आप डिवाइड कर दो, दो कंपोनेंट में, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखो जरा v का ये कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट
साइन थीटा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, दो केस बता रखे हैं, पहले एक केस जो कि पैरेलल होता है, एक केस जो कि परपेंडिकुलर होता है। पैरेलल वाले केस जो कि ये वाला कंपोनेंट है v cos थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगी, पैरेलल है और हमें पता है कि अगर कोई भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल हो तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगती, तो ये वाला कंपोनेंट सीधा आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये कंपोनेंट जो है जो कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगी। अब ये जो सर्कुलर मोशन होगी इसकी वजह से पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहां से देखना, मैं आपको यहां पे आपको एक्सिस बना के दिखा रहा हूं। एक्सिस कैसे है, कुछ ऐसे आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये थर्ड केस चल रहा है भूलना मत, और ये है आपकी जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। देखो थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियलिस्टिक लाइफ में कभी भी एंगल, बहुत कम ही चांस होंगे जब आपको एंगल जीरो या फिर 90 मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूं, क्या सपोज करता हूं मैं यहां पे, कि एक पार्टिकल था जो कि इस कार्टेशियन सिस्टम में, इस स्पेस में मूव करने की कोशिश कर रहा है, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, मैग्नेटिक फील्ड है इधर बी, बी क्या मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब बी क्या है मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखने वाली बात यहां पे सिंपल सी ये है कि सपोज करते हैं ये जो बी है मेरा, जो वेलोसिटी वेक्टर था वो कुछ ऐसा था, स्टार्टिंग में मेरा वेलोसिटी वेक्टर ये है, ये वी वेलोसिटी वेक्टर, तो इसके दो कंपोनेंट, ये वाला cos थीटा अगर थीटा एंगल है तो, और ये वाला sin थीटा, ठीक है। अब यहां आपको साफ साफ दिख रहा होगा दो है, दो कंपोनेंट आ गए, एक cos थीटा वाला, एक sin थीटा वाला, और हमने पढ़ा क्या है कि cos थीटा वाला डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं भी, और sin थीटा वाला डायरेक्शन चेंज करेगा। तो पहले हम देखते हैं किसको, sin थीटा वाले को जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो यहां पे आप ध्यान से देखना, देखने वाली बात क्या है, अगर मैं एक बार के लिए भूल जाऊं कि यहां पे कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो होना क्या चाहिए, तो होना ये चाहिए था कि ये हो जाती मेरी वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के पैरेलल है, और ये गया मेरा यहां पे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वेलोसिटी, तो फोर्स किधर लेगी, किसको ऊपर, इसको ऊपर फोर्स लेगी, आप कैसे निकालोगे, आप अपना हाथ रखोगे वेलोसिटी की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, आप क्या करोगे अपने हाथ को मूव करोगे, मैं तो अच्छे से दिखाता हूं आपको। तो ये हो आपका, आपका हाथ ये, ठीक है, ये हाथ आपका वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, तो आप देख रहे हो जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ जाने का मीनिंग क्या है, अंदर की तरफ जाने का मीनिंग यह है कि जो पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा था अब वो अंदर वाले एक्सिस में मूव करने की कोशिश करेगा। कैसे जाएगा भी? वो जाएगा कुछ ऐसे, वो सीधे जा रहा था और वो अब ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, देख रहे हो आप, वो अंदर की तरफ मूव हो जाएगा, उसको मैं आगे बढ़ा देता हूं कि आपको वाई एक्सिस दिखे, ये वाई एक्सिस का नीचे वाला कंपोनेंट है,
वो अंदर की तरफ मूव करेगा, फिर बाहर की तरफ आएगा, और फिर इस तरह से वो यहाँ पे क्या करेगा, एक सर्कल को फॉर्म करेगा। ये सिंपल वाला केस है आपका, शुरुआत में जो हमने करा था, वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक वेलोसिटी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या करेगा वो उसी प्लेन में मूव करता रहेगा। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, वो इसी प्लेन में मूव करता जाएगा हमेशा सर्कल में, ठीक है। ये सर्कल किस वजह से फॉर्म हुआ, ये सर्कल फॉर्म हुआ था ड्यू टू वी कॉस थीटा, सॉरी वी साइन थीटा, ये साइन थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं ना, वी साइन थीटा, इसकी वजह से क्या हुआ, वो सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। अब अगर यहां पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता, लेकिन क्योंकि यहां पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है तो अब होगा क्या, होगा ये कि वो ऐसे जाएगा और सर्कुलर पाथ तो मूव करेगा, लेकिन सर्कुलर पाथ मूव करने के साथ साथ वो क्या करेगा, वो आगे भी बढ़ेगा। आगे क्यों बढ़ रहा है, सिंपल सा रीजन, वो आगे इसलिए बढ़ रहा है ड्यू टू उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी था, वी कॉस थीटा, इस कंपोनेंट की वजह से वो आगे बढ़ेगा और इस कंपोनेंट की वजह से, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। तो आप ही देखो, आप ये कुछ ऐसा सपोज करो, ये आपका पार्टिकल था, ये इस तरह सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है और अब इसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो आपको क्या लगेगा, ये एक हेलिकल पाथ स्प्रिंग की तरह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या होना, आपका एक हेलिकल पाथ मूव करेगा, हेलिकल पाथ क्या होता है, हेलिकल पाथ होता है आपका स्पाइरल पाथ, कुछ ऐसा स्पाइरल, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या, हुआ ये कि जब आपका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के ना तो परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है, एक कुछ रैंडम एंगल पर है, तो उस टाइम क्या होता है, आप डिवाइड करो दो पार्ट में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, वर्टिकल साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा, वर्टिकल वाले के कारण सर्कुलर पाथ आएगा और हॉरिजॉन्टल वाले के कारण वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब दोनों जब साथ में अप्लाई होते हैं तो क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ कवर करते हुए वो आगे बढ़ेगा, और जब ऐसा काम होता है तो क्या बोलते हैं उसे, हम हेलिकल मोशन, ठीक है। अब देखो ये हेलिकल मोशन है, इसमें आपको चीज समझनी है कि जो सर्कुलर पाथ हो रहा था वो किसी वजह से हो रहा था, वी साइन थीटा की वजह से, तो क्या सर्कुलर पाथ मूव होते हुए इसकी वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है, नहीं, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, मीनिंग क्या है कि सर्कुलर पाथ के मूव होते हुए यहाँ पे इसके रेडियस और टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट रेडियस से, उसी रेडियस से वो आगे बढ़ता जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर क्वेश्चन ये आता है, बताओ क्या, बताओ कि जब वो यहां से शुरू हुआ, आप देखो ध्यान से, उसने शुरू करा मोशन अपना यहां से, ठीक है, लेट सपोज करते हैं यहां पे ये उसका पीक पॉइंट था, वो यहां से गया पीछे गया फिर घूम के आगे आया और फिर दोबारा से वो अपने उसी पॉइंट पे पहुंच गया, मैक्सिमम वाले पॉइंट पर। तो एक कंसेक्यूटिव मैक्सिमम में पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा, मैं बात कर रहा हूं इस डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस कितना हो, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपका वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी। क्यों भाई हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है, क्योंकि इसी हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी के कारण ये आगे बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी तो मिल गई हमें वी कॉस थीटा, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वी कॉस थीटा। टाइम क्या है, यहां पर जो टाइम होगा
टाइम कौन डिसाइड कर रहा है? टाइम डिसाइड कर रहा है मेरा यहां से यहां पे आने में, एक कंप्लीट सर्कल कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, जो आपका टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड कंप्लीट सर्कल कवर करने में जो टाइम पीरियड था वो किसको डिपेंड कर रहा था? वो डिपेंड कर रहा था हमारा 2πmqb, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा था वो? 2πmqb। अगर यहां पे ध्यान से देखो कि यहां पे कोई वेलोसिटी वाला टर्म है नहीं, यहां पे कोई वेलोसिटी वाला टर्म नहीं है, ठीक है। तो जब यहां पे कोई वेलोसिटी वाला टर्म नहीं है तो मीनिंग क्या है, ये टाइम पीरियड कभी भी किसी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो मीनिंग क्या है, एक कंप्लीट सर्कल कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, हम पहले ही कर चुके हैं, वो लगता है मेरा 2πm/qb। टाइम पीरियड कितना हो गया 2πm/qb। अब कोई आपसे पूछे, अगर क्या पूछता कोई आपसे कि ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप क्या बताओगे उसे? आप बताओगे कि डिस्टेंस हुआ ये आपका v cos थीटा मल्टीप्लाई में 2πm/qb, और इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच, pitch, पिच, ठीक है। ध्यान से मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान सुनना कि पिच कौन डिसाइड करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीनिंग पैरेलल कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, ठीक। और टाइम पीरियड किसी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड इस पे डिपेंड करता 2πm/qb पे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, हमने बेसिकली तीन केस पढ़े थे। पहला केस था केस वन, जब थीटा एंगल जो हो 90 डिग्री हो। सेकंड केस व्हेन थीटा एंगल जो हो वो 0 डिग्री हो, मींस पैरेलल। और थर्ड केस क्या था, जब थीटा ना तो 90 हो और ना ही 0 हो। तो इस केस को हमने डिटेल में करा था, अब हम करेंगे क्या, हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो उसमें देखा क्या हमने, हमने ये देखा था कि अगर ये मेरा एक कार्डियन सिस्टम है और ये है एक्स वाई जेड, तो यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी एक्स डायरेक्शन में है, तो हुआ क्या होगा ये कि अगर कोई रैंडम पार्टिकल मैं लू यहां पे, लेट अस सपोज क्यू पार्टिकल अगर मैं लेता हूं, तो होगा क्या, वो पार्टिकल मूव तो करेगा लेकिन वो सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, उस मोशन में दो कंपोनेंट होंगे। जैसे कि लेट अस सपोज ये मेरी वेलोसिटी है v, यहां पे अगर ये एंगल थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो ये क्या होता है आपका v cos थीटा, और ये क्या हो जाता है आपका v sin थीटा। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट को और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने अलग अलग करके पढ़ा था। कैसे पढ़ा था, हमने देखा था इस वर्टिकल कंपोनेंट के कारण v sin थीटा के कारण पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर मोशन करेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण वो क्या करेगा, आगे जाएगा। जिसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से हुआ ये था कि हमारी जो नेट मोशन हुई थी वो कुछ ऐसे हुई थी, कुछ इस तरीके से स्पाइरल, स्पाइरल मोशन हमारी फॉर्म हुई थी। इस स्पाइरल मोशन को हम देख सकते हैं इस तरीके से कि आप ये देखो, स्पाइरल मोशन हुई थी उसमें क्या था, उसमें हुआ ये था कि जो पार्टिकल था वो सर्कुलर पाथ के साथ साथ आगे भी जाने की कोशिश कर रहा था। सर्कुलर पाथ पे क्यों गया अभी, क्योंकि उस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो था, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी कॉस थीटा, सॉरी ये क्या होता है वी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर थीटा ये है तो वी कॉस थीटा। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट के कारण उसने सर्कुलर मोशन करी, उसने क्या करी हमारी एक सर्कुलर मोशन, और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण वो आगे मूव हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी मोशन आई थी कुछ इस तरीके से। मोशन कैसे आई, कुछ इस तरीके से हमारी एक मोशन जनरेट हुई थी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो यहां पे हमने लास्ट क्लास में क्या निकाले, कुछ इसके मेन कंपोनेंट निकाल लेते, जैसे कि हमने क्या निकाले थे, रेडियस निकाला था एक, रेडियस, दूसरे क्या निकाला था, टाइम पीरियड,
और तीसरे क्या निकाला था हमने, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो ये रेडियस होता है सर्कुलर पाथ का, इस केस में इस रेडियस को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ हेलिक्स, HELIX, रेडियस ऑफ हेलिक्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पे कि ये जो स्पाइरल मोशन होता है, हेलिकल मोशन जो होता है, यहाँ पे इस रेडियस को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ हेलिक्स। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, और वो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लॉरेंज फोर्स। एक्चुअली लॉरेंज फोर्स है क्या, लॉरेंज फोर्स क्या है, लॉरेंज फोर्स कुछ नहीं, सिंपलेस्ट में मैं आपको बताऊं तो लॉरेंज फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि एफ लॉरेंज इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ ड्यू टू मैग्नेटिक। ये किसके ऊपर अप्लाई होती है, ये अप्लाई होती है चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो यहां पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, अब मैं अगर आपसे पूछूं इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैंने क्या डाली, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, क्या अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इस क्यू चार्ज पार्टिकल को अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, वो लगेगी मेरी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर एफ इलेक्ट्रिक, ये वाली फोर्स। ठीक है, और वो कितनी होगी हमारी, क्यू मल्टीप्लाई ई, चार्ज मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आती है आप लोगों को। अब बात करते हैं एफ मैग्नेटिक की। एफ मैग्नेटिक अभी आपने पढ़ी है, जो क्या होती है कि चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स विच इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है एफ मैग्नेटिक। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जो टोटल फोर्स होगी, टोटल फोर्स कब होगी भी, अगर सपोज करो आप, मैं एक ऐसा केस दूं जहां पे इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड अवेलेबल है, और यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल आपको मोशन कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो नेट फोर्स होगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो क्या होगी, एफ लॉरेंज। वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस कॉम्बिनेशन प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी लॉरेंज फोर्स। अब इस लॉरेंज फोर्स को अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, क्या दोनों के कॉम्बिनेशन की तरह, जैसे कि एफ लॉरेंज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक थी पहली और दूसरी क्या थी, एफ मैग्नेटिक। तो एफ इलेक्ट्रिक क्या थी, भी एफ इलेक्ट्रिक थी मेरी क्यू ई चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और एफ मैग्नेटिक क्या थी, क्यू वी क्रॉस बी। तो यहां पे हम चार्ज कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा लॉरेंज फोर्स का जर्नल एक्सप्रेस। क्लियर हो रही है बात सबको, ठीक है। तो यहां पे हमारा काफी ज्यादा चीज हो चुकी है, अभी ज्यादा चीज का मीनिंग क्या है, आपका बेसिक चीज आपके क्लियर हो चुकी है। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक जो ट्रिकी कंडीशन होती है वो यूज करते हैं हम, क्या हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, वो है मेरा वेलोसिटी सिलेक्टर। इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वेलोसिटी सिलेक्टर। देखो वेलोसिटी सिलेक्टर है क्या, वेलोसिटी सिलेक्टर ये ऐसी कंडीशन है जो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले से इमेजिन करें, हम पहले से उस कंडीशन को अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि पार्टिकल मूव भी नहीं हुआ,
यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज करो एक पार्टिकल है चार्ज क्यू, क्यू चार्ज, तो वेलोसिटी सिलेक्टर में हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी सिलेक्टर में हम ये देखेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू है, क्यू चार्ज पार्टिकल, अगर उसको मैं मूव कराऊं, मूव्स इन ए स्पेस, किस तरह से मूव कराया जाए उस चार्ज पार्टिकल को, उस चार्ज पार्टिकल को ऐसे मूव कराया जाए कि उस स्पेस में, अगर ये मेरा एक स्पेस है, अगर क्या है मेरा ये एक स्पेस है, तो इस स्पेस में ये क्या है मेरी एक्स, ये वाई और ये जेड, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है ई, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है मेरी, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है मेरी किधर, इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर हम कब यूज करते हैं, कब बात करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर के, हम तब बात करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। देखो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यहाँ पे दोनों फील्ड है, कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन कैसा है, कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में लग रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि एक चार्ज पार्टिकल, ये एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल को मैंने यहां पे रखा, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, नहीं लगेगी, इन रेस्ट कंडीशन एफ मैग्नेटिक क्या होगी, भी जीरो होगी, क्यों जीरो होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कब लगती है, जब उसकी कुछ वेलोसिटी हो, अगर पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, तो यहां पे कौन सी फोर्स लगेगी, यहां पे लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और किधर लगेगी इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है मेरी क्या, क्यू ई वेक्टर, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मेरी क्या होगी, उसके ऊपर फोर्स लगेगी, अगर चार्ज पार्टिकल मेरा क्या है पॉजिटिव है, तो यहां पे मैंने देखा कि इस केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लगेगी ऊपर की तरफ, एफ ई इलेक्ट्रिसिटी फोर्स किधर लगेगी, चार्ज पार्टिकल की तरफ के ऊपर, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो किधर मूव हो जाएगा ये चार्ज पार्टिकल मेरा, ऊपर की तरफ मूव होने लगेगा, कैसे मूव होगा, चार्ज पार्टिकल मेरा ऊपर की तरफ मूव होने लगेगा, इसकी मोशन ऊपर की तरफ होगा, वो क्या करेगा एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि इसके उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है और मैग्नेटिक फोर्स कोई लगी नहीं, ठीक है। अब जो अगली बात करेंगे हम, अभी हमने किसकी बात करी, अभी हमने बात करी कि चार्ज पार्टिकल किसमें, अभी रेस्ट में, तो अभी अगर चार्ज पार्टिकल मेरा किसमें रेस्ट कंडीशन में है, तो अब देखो यहां पे ध्यान से, अब मैं बोल रहा हूं इन मोशन, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में हो जाए तब क्या होगा, तब होगा ये कि इसके ऊपर एफ मैग्नेटिक विल आल्सो एग्जिस्ट, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगी। तो जो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी सिलेक्टर की, उस वेलोसिटी सिलेक्टर में हमें क्या करना है, हमको एक ऐसी वेलोसिटी सिलेक्ट करनी है, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में हमें ऐसी वेलोसिटी सिलेक्ट करनी है कि नेट फोर्स क्या हो जाए, नेट फोर्स हमारी जीरो हो जाए। नेट फोर्स जीरो होने का मीनिंग क्या है, अभी नेट फोर्स जीरो होने का मीनिंग ये है कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है और जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। और आप सभी को पता होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब किसी भी पार्टिकल का ऊपर
नेट फोर्स जीरो होती है तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट का मीनिंग ये है कि वो जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ना तो वो सर्कुलर पाथ बनाएगा ना वो अपना कोई और पाथ चूज करेगा, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा। तो हमें ऐसी वेलोसिटी सिलेक्ट करनी है, इसीलिए इसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर, कि हम ऐसी कंडीशन क्रिएट करें कि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है लेकिन फिर भी उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं दोबारा से इस चीज को, जब पार्टिकल किस में हो, मोशन में हो, जेड एक्स वाई। ठीक है, चेंज कर लेते हैं कलर को। तो यहां पे क्या था मेरा चार्ज क्यू, ऊपर थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। शुरुआत में मैंने माना कि सपोज करते हैं कि पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पे हमें ऐसी वेलोसिटी सिलेक्ट करनी है कि ये पार्टिकल जिसको ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है क्योंकि अभी मोशन में, उसके बावजूद भी ये अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे। समझ मारी वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर वो वेलोसिटी बतानी है हमको कि जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को मैं मूव कर रहा हूं फिर भी ये अपना पाथ चेंज ना करे ना ही ये एक्सीलरेट करे, मीनिंग नेट फोर्स जीरो हो जाए। वो कैसे होगी भी पॉसिबल, वो देखो ऐसे होगी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डायरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ एफ ई, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किधर लगेगी, ऊपर ही लगेगी। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल एक्स में जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स, दोबारा बोल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है चार्ज पार्टिकल एक्स में जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी, तो इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स लेगी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक, उसका फॉर्मूला हम सबको पता है वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो आप ध्यान से देखो, वी क्रॉस बी जब आप करोगे, वी क्रॉस बी वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर इधर ही होगा एक्स में, एक्स को आप जेड से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा जो डायरेक्शन मिलेगी फोर्स की वो होगी आपकी नीचे की तरफ, F ड्यू टू मैग्नेटिक। ठीक है, देख लेते हैं कैसा आया भैया, हम बी की तरफ गए, बी मैग्नेट वेलोसिटी, और उसके बाद हमने अपनी हथेली को बंद करा, अपने हाथ की उंगलियों को बंद करा और किसकी तरफ गए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ गए। देख रहे हो, हम बी से वेलोसिटी से, मेरी देखो हथेली में जो उंगली दिख रही है आपको ये वेलोसिटी, वेलोसिटी से आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ गए तो जो थंब है किधर है, थंब की डायरेक्शन क्या है, देख रहे हो थंब की डायरेक्शन क्या होगी, बी से बी की तरफ। तो यहां पर जो थंब की डायरेक्शन होगी किधर होगी, हमारी माइनस वाई में। अब देखो यहां पे आपको एक लग रहा होगा, मेरे हाथ से आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, अगर आपको हाथ में कंफ्यूजन हो रही था आप ऐसे देखो, हो क्या रहा है, वेलोसिटी एक्स में और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो जेड में, तो एक्स को मैंने बोला आई कैप और जेड को बोला मैंने के कैप, तो वी क्रॉस बी जो होगा डायरेक्शन यहां पे देखते हैं बस, डायरेक्शन डायरेक्शन, तो वी की डायरेक्शन क्या है आई कैप और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है के कैप, तो आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के होता है हमारा माइनस जे। ठीक है, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे होगा। ठीक है, क्योंकि साइकिल होती है, अभी देख लेते हैं आई जे के,
अगर आप इस साइकिल में जाते हैं तो चीजें पॉजिटिव होती हैं, इस साइकिल के अपोजिट जाते हैं तो चीजें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो देखो आई से आप के पे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये तो क्या है उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहां पर क्या होगा आपका आई क्रॉस जे, क्या होगा आपका माइनस जे, और माइनस जे किधर है नीचे की तरफ। तो इस केस में क्या होगा आपका जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी हमारी नीचे की तरफ। तो आप यहां पे ध्यान से देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो लग रही है आपकी प्लस जे कैप में, और मैग्नेटिक फोर्स वो लग रही है आपकी माइनस जे कैप में। अगर किसी तरीके से मैं इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को बराबर कर दूं तो ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एक माइनस जे डायरेक्शन है एक प्लस जे डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम कैसे सपोज करके चलते हैं, लेट अस अस्यूम एफ इलेक्ट्रोस्टेटिक इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या कर दिया मैंने बराबर कर दिया, जो हमको करना है हमने पहले उसको एज्यूम कर लिया। तो हम देखेंगे हमको एंड में किस चीज की जरूरत पड़ रही है बराबर करने की, ठीक है। तो एफ इलेक्ट्रोस्टेटिक को मैग्नेटिक मैंने एज्यूम कर लिया है, तो हम देखेंगे क्या कंडीशन है अगर हम इस चीज को एज्यूम कर लेते हैं जो कि फॉलो करनी चाहिए। तो एफ इलेक्ट्रोस्टेटिक क्या होता है क्यू ई, एफ मैग्नेटिक क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है वी क्रॉस बी। तो यहां पे क्या है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है इसका मैग्नीट्यूड यही आएगा क्यू वी बी साइन थीटा, इधर क्या आपका क्यू ई है तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट बचा क्या ई वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पे आप देखो ध्यान से जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी ई अपॉन बी साइन थीटा, ठीक है। और इस केस में जो हमने एज्यूम करा था, देखो ध्यान से यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि पार्टिकल जो है वो एक्स में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है जेड में, तो यहां पे एंगल कितना बनना है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या है यहां पे 90 डिग्री, तो बी की वैल्यू क्या होगी ई अपॉन बी, ई अपॉन बी, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो यहां पे हमें क्या पता चला कि हमें ये पता चला कि अगर आप किसी पार्टिकल को इस वेलोसिटी से इस कंडीशन में मूव कराते हो, इस वेलोसिटी से ई बाय बी वेलोसिटी से इस कंडीशन में मूव कराते हो तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर होगा ये कि उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगी एंड पार्टिकल विल मूव विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हमारी वेलोसिटी सिलेक्टर कि हम इस वेलोसिटी को पहले से चूज करके चलेंगे अगर तो पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है।